कोर्ट ने अभी डायरेक्टली मना नहीं किया, ही हैज ओनली रिफ्यूज्ड टू गिव द स्टे। उन्होंने अभी चार वक्त का टाइम दिया, इंशाल्लाह हम इसी तरीके से आगे प्रोटेस्ट करते रहेंगे। कहीं ना कहीं तो सरकार को झुकना ही होगा और सुप्रीम कोर्ट को भी झुकना ही होगा। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से हमारी कामयाबी होगी। अगर हम इसी तरीके से एकजुट होकर रहेंगे तो फ्यूचर में इंशाल्लाह हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्टे देने से मना किया है, याचिका खारिज नहीं हुई है, तो हमें होप्स नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहना चाहिए। आपका क्या कहना है जो ये कानून जिस तरह से लाया जा रहा है, जो जिसे धर्म रिलीजन से जोड़कर जो पेश किया गया है, और अब कहीं ना कहीं सरकार इस पे पीछे हटने को राजी नहीं? मेरा ये कहना है कि मतलब जो ये लोग ने कानून लाए वो सरासर गलत है। ये सिर्फ जातिवाद को ये लोग भंग करना चाहते हैं, जो यूनिटी इंडिया की है वो ये लोग तोड़ना चाहते हैं, जिसमें इन्होंने बाकी सारे रिलीजन्स को डाला हुआ है एक्सेप्ट मुस्लिम, जो सबसे बड़ा हम मुस्लिम लोग के लिए खतरा है कि हम सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर हमारे पास प्रूफ ना रहा तो यानी हम डिटेंशन कैंप पे जाएंगे? हम नहीं जाएंगे, हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक ये अमेंडमेंट इनका कैंसिल नहीं होता। थैंक यू। आप क्या कहिए जिस तरह से ये कानून जो लाया गया है, जिस तरह से इसे काला कानून के तौर पे देखा जा रहा है, यानी भारत का जो कानून है ये भारत के लिए बेहद ही खतरनाक बताया जा रहा है, तो आप एक वकील हैं, तो आपके नज़रिए से क्या ये कानून वाकई में जो लोग समझ रहे हैं अभी तक कि ये कितना खतरनाक है, तो आप अपने नज़रिए से बताइए कि पहले तो मैं ये कहूँगी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हो रहा है, आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन किया जा रहा है। कोई भी लॉ या बिल पास होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन की ये मैं बुक लेकर आई हूँ, आप लोग नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो आप किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को अलग नहीं कर सकते अगर आपको देश को एक विकसित देश बनाना है तो। और मैं ये कहना चाहूँगी, क्या मिस्टर अमित शाह ने ये प्लेज नहीं पढ़ा अपने स्कूल में, इंडिया इज़ माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर? तो ब्रदर एंड सिस्टर जब आप एक बच्चे को स्कूल में डालते हैं या टीचर हैं तो पूरी क्लास को एक ही नज़र से देखती, वो ये नहीं देखती कि ये हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। जब हमें भारत को एक विकसित देश बनाना है तो हमको सबको लेके चलना पड़ेगा। क्यों सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी को ही बोला गया है? CAA, NPR, मैं इसका पुरजोर विरोध करूंगी, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, बट जो गरीब तबके के हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, या जो पीपल्स आर माइग्रेटेड फ्रॉम UP नॉर्थ साइड, तो वो कहाँ से लेके आएंगे? कितने लोग हैं जो 30-30 साल 40-40 साल पे रेंट पे रह रहे हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनका क्या? हम नहीं जाएंगे, ये मुल्क हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, और हम यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे। भारत में एक डर का माहौल है, खास तौर पे अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज में इसको लेकर बेहद ही डर है। मुस्लिम समाज में डर नहीं बना है भाई, डर इस बात का है कि जो 6 पर्टिकुलर कम्युनिटी का उसमें नाम दिया गया है उसमें मुस्लिम को क्यों इंक्लूड नहीं किया गया है? आप अगर वो देखे जो लिस्ट है उसमें सिख बुद्ध क्रिश्चियन सब दिया है, तो मुस्लिम को क्यों हटाया उसमें से? आप 6 साल के लोगों को इंडियन का सिटीजनशिप देते हो, हालांकि 1955 एक्ट पूरा सिटीजनशिप का आया है, उसका क्या? पहली बात तो अपने देश की इकोनॉमिक इतनी लो होती जा रही है, आप खुद जानते हैं कि 70% नौजवान है हमारे मुल्क में, जो आज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है उस पर नहीं चर्चा की जा रही है। हमारे जो भाई हैं सब गल्फ कंट्री में जाके ग्रेजुएट होके वो वहाँ टैक्सी चला रहे, कितनी शेम की बात है पढ़े लिखे देश में, और हमारे पास एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं। गवर्नमेंट सेक्टर में आप चले जाए, कितने लोगों को गवर्नमेंट नौकरियां हैं, हर जगह करप्शन है। अगर आप किसी जगह जाते हैं तो आपको 8 लाख 10 लाख करप्शन का अमाउंट देना पड़ता है, फिर आपको जो है जगह मिलती है उसकी, तो वो सब छोड़ के आप ये NPR, NRC, CA लेकर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है आप लोग? देखिए आईज ऑफ लॉ सबके लिए, और सुप्रीम कोर्ट और हमारा जो जुडिशियरी है हम पे उस पर पूरा भरोसा है, क्योंकि सब आईज ऑफ लॉ की नजर में एक ही है। तो जिस तरह से आपने सुना कि जो ये तमाम भिवंडी थाने सहित से जो तमाम वकील यहाँ पर आज शाहीन बाग, जो मुंबरा का शाहीन बाग कहा जा रहा है, यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें समर्थन देने के लिए आए, तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जो ये वकील कानून के जानकार हैं, जो खुद कानून के जानकार होने के बाद इस जो सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून लाया गया है इसके खिलाफ है, और ये खुद जो है बता रहे हैं कि ये कानून जो है इतना खतरनाक है कि ये कानून के लेकर जगह जगह जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इस कानून को पीछे लेने को राजी नहीं है। लेकिन एक बात बता दें, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने आज इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 हफ्तों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बात सुनने के बाद इस पर दोबारा 5 जजों की बेंच जो है इस पर सुनवाई करेगी। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्राइम टाइम्स, मुंबरा।
ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।